आगरा मेट्रो का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मेट्रो का निर्माण तो तेज गति से चल रहा है। इसी बीच सोमवार को आगरा में पहली मेट्रो ट्रेन आ गई। दरअसल मेट्रो डिपो में ट्रेन के इंजन और कोच का विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं मेट्रो अधिकारी ने बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन अगले साल फरवरी तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए 6 ट्रेनें आएंगी। हर 5 मिनट में मेट्रो चलाने की योजना है। हर स्टेशन पर 5 मिनट बाद मेट्रो उपलब्ध होगी। आगरा के मेट्रो ट्रेनों में एक बार में 974 यात्री सफर कर सकेंगे। साथ ही ट्रेनों की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आगरा मेट्रो ट्रेनें आधुनिक फायर और क्रैश सेफ्टी युक्त डिजाइन की गई हैं। प्रत्येक मेट्रो ट्रेन में 24 सीसीटीवी कैमरे होंगे। इससे घटना का बचाव करने में सहायता मिलेगी। इनकी फुटेज ट्रेन ऑपरेट और डिपो में बने सिक्योरिटी रूम में पहुंचेगी। प्रत्येक ट्रेन में 56 USB चार्जिंग पॉइंट और 36 LCD पैनल्स होंगे। मेट्रो ट्रेनों में टॉकबैक बटन की सुविधा दी गई है, जिससे इमरजेंसी कंडीशन में यात्री ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सके। मेट्रो के लिए जो पहली ट्रेन है वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बन करके, भारत में सावली गुजरात में बनने के बाद में आज पहली बार आगरा की धरती पे आई है। और अभी आप लोग के सामने हम लोगों ने इसको ट्रेलर से उतारा है। और ये ट्रेन एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन है, जो कि ऑटोमेटिक रहेगी। ड्राइवर का काम केवल स्टेशन पे रोक करके दरवाजे बंद करना का रहेगा। जिस तरीके से लखनऊ और उसके बाद कानपुर की ट्रेन उत्तर प्रदेश मेट्रो ने चलाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नियत समय से के अंदर ही इस ट्रेन को चलाने का पूरा प्रयास हो रहा है। और ये उसी की श्रृंखला में एक कड़ी है। और तो आज जो है अभी हमारे पास पहला रेक आया है, और हर महीने दो दो रेक यहाँ पर आते रहेंगे, दो दो ट्रेन आती रहेंगी। हमें टेस्टिंग करने के लिए अभी 2 रेक की ज़रूरत है, और हम लोग इनॉग्रेशन के लिए मिनिमम 6 ट्रेन अभी प्लान कर रहे हैं। जब प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो स्टेशन है तो कितनी मेट्रो चलेंगी? तो अभी हम लोग शुरू में 6 ट्रेन से प्लान कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 मिनट का हेडवे मिल जाएगा। तो हर 5 मिनट के बाद में एक ट्रेन अवेलेबल रहेगी। और अगले कुछ महीने हम लोग इस ट्रेन को पहले डिपो में ही टेस्टिंग करेंगे, यहीं पर ट्रायल होंगे। डिपो के अंदर एक टेस्ट ट्रैक होता है, जिसमें जो मेन लाइन पे स्टेशन है वो भी एक वर्चुअल स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है। और जिस तरीके से मेन लाइन पे टेस्टिंग होती है, वैसी ही टेस्टिंग यहाँ डिपो के अंदर होगी, उस टेस्ट ट्रैक के अंदर होगी। और करीब 35 KMPH तक गाड़ी यहीं टेस्ट होती है। और जब हम लोगों को उससे ज़्यादा स्पीड में जाना है, 80 और 90 की स्पीड पर जाना है, तो हम लोग मेन लाइन पर टेस्टिंग करेंगे। दरअसल ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन के तहत ये ट्रेनें संचालित आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली से चलेंगी। वायु प्रदूषण कम करने को ट्रेनों में मॉडर्न प्रोपल्शन सिस्टम होगा। सभी ट्रेनों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस किया गया है, ताकि ब्रेक लगाए जाने से उत्सर्जित 45% ऊर्जा को फिर से इस्तेमाल किया जा सके। ट्रेनों में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया गया है, जो ट्रेन में मौजूद यात्रियों की संख्या के हिसाब से चलेगा और ऊर्जा की बचत करेगा। मेट्रो का बुनियादी ढांचा बेहतर और सुंदर दिखाई दे, इसके लिए मेट्रो ट्रेन तीसरी रेल से ऊर्जा प्राप्त करेंगी, ताकि इसमें खंभों और तारों के सेटअप की आवश्यकता ना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।